खबर जबलपुर से है, जहां नशे के कारोबार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जब्त किए 700 नशीले इंजेक्शंस। बता दें, आधारताल धमापुर इलाके में अलग अलग कार्रवाई की गई है। नशीले इंजेक्शंस के साथ पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस आगे की पूछताछ करने वाली है। तो बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 700 नशीले इंजेक्शंस जब्त किए हैं और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे, और उसके तहत जबलपुर में भी कार्रवाई निरंतर जारी है। और कल थाना गवापुर और थाना आधारताल, इन दो थाना क्षेत्र में 700 इंजेक्शंस, जो पेकोविल और इस तरह के और इंजेक्शन जो नशे में लोग यूज़ करते हैं, इनको जब्त किया गया है। और गवापुर में आरोपी रवि तिवारी, रुपेश तिवारी और एक मानसिंह ठाकुर के घर से बरामद हुए हैं। ऐसे ही आधारताल थाने में एक आकाश अहिरवार और एक सबीना भी, इनके पास से 100 इंजेक्शन, कुल 100 इंजेक्शन जब्त हुए हैं। मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, यहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, पुलिस को कैसे सूचना मिली है और कब ये बड़ी कार्रवाई की गई? देखिए, पिछले दिनों पुलिस की कई जगह छापेमारी हो रही थी, पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कहीं नशीले इंजेक्शनों का कारोबार फल फूल रहा है। उसी के तहत पुलिस ने मुखबिर तंत्र लगाए थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है आधारताल थाना गवापुर इलाके में जो है वो नशीले इंजेक्शन का कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए वहां पे छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में 700 नशीले इंजेक्शन जो है वो बरामद किया है। पुलिस ने अलग अलग थानों से 2-5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आज इनको कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इनकी रिमांड लेके इनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन लोग के तार कहां कहां फैले हैं, कहां कहां इन लोग इस तरह से नशीले इंजेक्शन ला के किन किन लोगों के माध्यम से कहां कहां बेचते हैं। जी, यानी कई बड़े खुलासे भी होने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारिंदर हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।